जय जोहार संगवारी हो, आज हम अनाहन खोपली पाठ में और यहाँ के बारे में बताही धर्मनिया। जय जोहार संगवारी हो, तो फिर चलो घूमथन खोपली पाठ में। पहाड़ी के ऊपर में अब बारी है अपन यहाँ के यहाँ विराजमान भगवान के दर्शन करे के। तो पीछे हम जैसे देखा तो यहाँ है दया गुफा जहाँ भगवान के स्थापना हुए हैं। ये मेन मंदिर तो है, एक आगे आओ ऊपर में आओ दर्शन कर लो। पाठ के पाठ जिला पीता के नाम से जानते हैं, पीता हरेहा, और एकर पूजा पहले किए जाते हैं, उकर बाद में एकर नीचे हवे खोपली। मन गिरे हैं पाठ में, अब जाओ मन हाँ खोपली जो उकर जस्ट नीचे। छोटे से जगह में यहाँ विराजमान है, ठीक से मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ। आज का छोटे जगह में खोपली माता अपन यहाँ विराजमान है, बड़ा मुश्किल से जाना आप अब यहाँ। बुजुर्ग मन के कहना है कि जब राजा महाराजा मन के टाइम में वो जब शिकार बरावत रही थे तो वहाँ अपन विश्राम करे बार एक ऊंचा जगह रह दिखे, तो एक ये छोटे से जगह जो पहाड़ी है छोटे पहाड़ी ओला देखिए और यहाँ वन हाँ विश्राम करे बरस। तो अपन यहाँ रुके के बाद में अपन कुल देवी के दर पूजा करे पूजा पाठ करे बर यहाँ एक छोटे से पत्थर लड़क के उकर कुल देवी अपन कुल देवी के नाम से पूजा पाठ करी। तो वही एक बार पूजा पाठ करे के बाद में भी वहाँ अपन राजभवन से यहाँ तक उकर पूजा पाठ करे बर आए और पूरा सवांगा लेके आए, लेकिन जब राजा हाँ बीत गए राजा सब नहीं रही तो फिर ये धीरे धीरे वीरान पड़ गई जगह। और बाद में जिससे एक पास में अमलोर गांव है और जब अस्तित्व में ही थे तो यहाँ के किसान मन कुछ किसान हैं यहाँ के आसपास के जमीन लग अपन खेती किसानी करे बस यहाँ अपन काबिज में ली। तो जब वहाँ यहाँ खेत में काम करके जाए मुहे पेड़ मुहिल बांध के जाए तो जब सुबह आए वहाँ तो खेत में एक दाना पानी नहीं रहा, एक बूंद पानी नहीं रहा। फिर धीरे धीरे जब समय बीता गया तो एक दिन सपना दी सोला किसान ला कि मैं है ये डोंगरी में हावो मोर पूजा पाठ कर थे और जो यहाँ जो जो राजा देवत रही से बलि देवत रही मोला ओला पूरा कर दे, ओकर बाद तो खेत में कोई नुकसान ही नहीं है। तो वो किसान है यहाँ आई पूजा पाठ करी माता के और यहाँ बलि दी बकरा के, फिर ओकर खेत में अच्छा से धान फसल भी हुई और धान भी पानी भी ठहरने लग गए। वैसे वैसे जब पूरा गांव वाला पता चली तो गांव के मन भी यहाँ पूजा पाठ करी अपन मन के मनोती मान मांगे लग गए। वैसे वैसे सियान मन बतावत है और धीरे धीरे करके एक ठो गाँव फिर दो गाँव फिर तीन गाँव फिर चार गाँव वैसे वैसे करके 12 ठो गाँव हो गए। तो अब धीरे धीरे जब 12 गांव हो गए तब फिर एला एक नाम देगी 12 गांव के बरहिया। तो 12 गांव के मिल के एकर पूजा पाठ करे पहले, अब वह बढ़ के 16 गांव हो गए हैं। जब 16 गांव के हो गए तो फिर यहाँ अच्छा से मनाते हर नवरात्रि में जोत जलाते और गुरु पूर्णिमा भी अच्छा से मनाते।
आगे हन अब वो जगह में जहाँ एक पथरा हा घंटा के समान बसते। अच्छा, तो आ अपन सुनाता हूँ पथरा का आवाज ला। कितने पथरा है जी? ये जो छोटे से पत्थर, ये जो पत्थर है वो बहुत बड़े रही से। ये वाला जो पत्थर है, अब दर्शनार्थी मर था आके यहाँ एक प्रमाण देखा थे कि पत्थर वाकई में बजत बजते कि नहीं, वो बजा बजा के नानचन कर डरे हैं। अच्छा। तो ये देखो कैसे बजते हैं। वह दिखा तो मोहल बजान देगा। ही इच्छा बाजते कि यहू मन है बाजते जी? ये यहाँ जब सिर्फ यही एक पत्थर है जो घंटा के समान बजते और बाकी कोई पत्थर नहीं बजे। जैसे ये देख ले, ये भी नहीं बजे, ये भी, और ना ही ये पत्थर बजे। सिर्फ यही पत्थर है जो ऐसी आवाज करते। ये ले बजा के देख। कैमरा मैन आओ, सही में देखा था। पहाड़ी के ऊपर मंदिर में महिला मन के जानव वर्जित है, तेकर कारण संत शिरोमणि श्री भुवनेश्वरी शरण व्यास जी यहाँ नीचे में माता की स्थापना करे है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में माता के दर्शन कर सकते हैं। पहाड़ी में माता मन बलि के बंटवारा करत रही से बैगा हा पहुँच गए। छुरी के बहाना माँ बंटवारा लेबर आए हस कही के छुरी ल फेंक के माता हा बोलीस, जी हाँ छुरी गिरही, आज के बाद वही जगह बलि देबे। तो संगी हो, कैसे लगी समर खोपली पाठ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटा बटन ला भी दबा दो।